बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पेशेंट को यहाँ पर और पहले दाढ़ी ठीक करो, मूछें ठीक कर, वैसे तो नहीं नहीं इसको पास में आप बोलो। हेलो, तो दोस्तों समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ऑन कर लो अपना मोबाइल लेके प्रभु का नाम। अधिकतर टाइम जो होता है वो सारे के सारे अपने मोबाइल के अंदर में लगे रहते हैं, मोबाइल ऑन करके सबके सब कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, और तो मैक्सिमम टाइम जो है वो हमारा मोबाइल के साथ में निकलता है यहाँ पे। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी कुछ इंतज़ाम करके रख रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप काफ़ी बड़ा जो ये कैंप है उस कैंप के अंदर में आप जॉगिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, ठीक है, आपको एक जगह पे बैठने की नीड नहीं है, आप वॉक कर सकते हो आराम से, काफ़ी खाली जगह रहती है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है लूडो अवेलेबल है आपके लिए, ये और सांप सीढ़ी जो गेम है वो अवेलेबल है यहाँ पे, जाती हैं, कैरम बोर्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप खेल सकते हैं, और यहाँ पे बैडमिंटन भी अवेलेबल हैं जो छोटे बच्चे हैं, काफ़ी पेरेंट्स के साथ में उनके बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ी देर के लिए अपना टाइम पास इसी तरीके से करते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, लाइब्रेरी है, मैं अभी दिखाऊँगा आपको वो लाइब्रेरी भी, हम हेल्थ से रिलेटेड बातें करते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या होता है तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को काढ़ा मिलता है, उसके विद इन 15 टू 20 मिनट्स बाद यहाँ पे योगा स्टार्ट हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स का वो योगा सेशन होता है, यहाँ पे सबके सब योगा करते हैं। तो दोस्तों सारे के सारे जो भाई लोग हैं वो सबके सब यहाँ पे योगा कर रहे हैं इस टाइम पे, कुछ लोग लेटे हुए हैं वो शवासन कर रहे हैं, लेकिन बाकी हमारे जितने भी भाई बैठे हैं वो सारे के सारे योगा कर रहे हैं इस टाइम पे। आप देख सकते हो कोई किसी ना किसी तरीके से अपनी एक्सरसाइज कर ही रहा है, और योगा करने के बाद फिर आप रिलैक्स रहते हैं, और अपने जो आपको रूटीन चेकअप रहता है वो सारी सारी चीज़ों के लिए आप जाते हैं, डॉक्टर्स रूटीन चेकअप पे आते हैं, वो रूटीन चेकअप करते हैं आप लोगों का, और जब आपको इवनिंग स्नैक्स मिल जाता है उसके बाद आपको मेडिटेशन यहाँ पे करवाया जाता है, थोड़े से आपको प्रवचन टाइप के यहाँ पे सुनाए जाते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे, जब आप उसको बैठ के आराम से शांति से सुनेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले जाते हैं उसके अंदर में, जो कि आपको काफ़ी अच्छा फील कराते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो डेवलप करवाते हैं आपकी बॉडी के अंदर में, और आपकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह मूव करवाते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, मेडिसिन हर एक तरीके की यहाँ पे अवेलेबल हैं, खाना खा के जाएगी, ये नहीं कि घर पे बना के खाऊंगा, अब यहाँ से खाना भी खा के जाना, इतना पसंद आ गया यहाँ पर लोगों का खाना। हाय, आज इसका भी डिस्चार्ज है, बाय, सो जा बेटा, सो जा सो जा सो जा सो जा। रफीक मियां अपने मूंछों को ताव देते हुए आज यहाँ से डिस्चार्ज, जल्दी जल्दी बांधो मास्क, क्या हो रहा है, क्या कह रही है, नहीं मास्क निकालना यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है जाने की, घर जब यहाँ पर आए थे तो कैसा होगा, लेकिन अच्छा था एक्सपीरियंस, अच्छा था, सब अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, स्टाफ ठीक है, अच्छा है, मेन डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं और सुविधा भी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। शक्ल दिखाओ रफीक एक बारी, शक्ल दिखाओ अपनी हंसते हुए की, पेशेंट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पेशेंट को यहाँ पर और पहले दाढ़ी ठीक करो, मूछें ठीक कर, वैसे कर लो, नहीं नहीं कर, चल कर इसके पास में चलते हैं, आप बोलो। हेलो, कंटिन्यू बोलो, यहाँ का मेजरमेंट बहुत अच्छा है, ये छतरपुर में है राधा कृष्ण स्वामी का, और यहाँ पे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पेशेंट को खाने में या दवाई में डॉक्टर एनी टाइम आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो,
और कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती यहाँ पर आने में। मेरे मजा आ रहा है यहाँ पे, टाइम पास हाँ, हो जाता है, टाइम पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कैरम खेलो, लूडो खेलो, चेस खेलो, बैडमिंटन खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लोग वार्म करने के लिए बॉलिंग तो हमने 2000 लोगों का सेटअप है यहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं पड़ती यहाँ पर। बस एंजॉय किया, एंजॉय किया, मस्त हो गया। अपने 10 दिन काटे हैं यहाँ पर, मजे करते हुए जा रहे हैं हम लोग तो यहाँ से, खेलते हुए जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई COVID-19 आइसोलेशन सेंटर में आज मुझे 7 दिन पूरे हो चुके हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लग रहा था कि कैसा किस तरह की फैसिलिटीज होंगी और क्या डॉक्टर अच्छे होंगे या नहीं होंगे, टॉयलेट, खाना, बहुत सारी क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में। और पहली रात तो मैं सो भी नहीं पाया। बड़ा आस्ते आस्ते यहाँ पर देखा लोगों की डॉक्टर्स जो दो ये लोग बड़े सिंसियरली काम कर रहे हैं और दिन में 5 बार आपका रिपोर्ट्स देते हैं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन टेस्ट करते हैं। ये बहुत ही बड़ा सेंटर है, इसके अंदर कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों की फैसिलिटीज़ है। अभी यहाँ से इस हॉस्पिटल में आइसोलेशन सेंटर में 3,000 लोग हैं और हर दिन 40-50 लोग जाते हैं, 40-50 लोग नए आ जाते हैं। सुबह 5 बजे से इनका दिन शुरू होता है जिसमें ये लोग पहले आपको काढ़ा देते हैं, उसके बाद इनका डॉक्टर का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर 7 बजे ये योगा कराते हैं, फिर आपको तो ब्रेकफास्ट आ जाता है थोड़ी देर बाद, ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपका टेस्ट लेते हैं सारे चीज़ों का, तो 11 बजे आपको हाई टी दी जाती है, फिर 1 बजे आपको लंच कराया जाता है। और सबसे पहली बार बात है फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, टॉयलेट साफ़ सुथरे हैं, बेड अच्छे हैं, आपको हर दिन नई ड्रेस पे चेंज करने दी जाती है, नए मास्क मिलते हैं। और हाय गाइस, मेरा नाम मनीष कुमार है और कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं जो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे माइल्ड फीवर और कफ का प्रॉब्लम था जिसके चलते मैंने पहले तो खुद को सेम डे सेल्फ आइसोलेट कर लिया था और नेक्स्ट डे जाकर मैंने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया, जिसकी इन्फॉर्मेशन है मुझे 24 आवर के अंदर ही शेयर कर दी गई थी और मैं कोरोना पॉजिटिव था। तो मुझे सेम डे वो आइसोलेशन सेंटर ले गए जो हमारा छतरपुर में, मेरा 10 दिन वही ट्रीटमेंट चला था और काफ़ी सपोर्टिंग स्टाफ है। मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो का कि इन केस आपको कोई भी ऐसा कोई सिम्टम्स लगे तो अपना कोई भी टाइम वेस्ट करें, आप एक बार जाएं अपना कोरोना टेस्ट है जो वो करवाएं और हो सके तो जैसे आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए अपना प्लाज्मा डोनेट करें। स्टे से तो जो डिस्चार्ज हो रहे उनको सी ऑफ करने के लिए कुंवरपाल अंकल जी आए हैं गंगा अपार्टमेंट से ना हो, तो यहाँ पे अपना डिस्चार्ज हो रहा है, बैग वैग अपना अपना उठा लिया है, अब सारे के सारे चलेंगे आगे। पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे अंडरटेकिंग देना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है। पीछे आप भाई देख रहे हो, हमारे फौजी भाई हैं, आज उनका भी डिस्चार्ज है, मेरे साथ में ही वो आए थे, तो अब डिस्चार्ज हो रहा है, चलते हैं आगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वो लंच कर दिया, थैंक यू मैम। सो फाइनली बाहर निकलते हुए यहाँ से हम बैठे हैं एम्बुलेंस के अंदर में और जा रहे हैं घर के लिए, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, आज डिस्चार्ज हो चुका है तो मिलते हैं वापस एम्बुलेंस से उतर के। ओके आंटी जी, बाय। पहुंच गए अपने घर और अच्छा लग रहा है काफ़ी बाहर का माहौल देख के, 10 दिन एक हॉल के अंदर में बंद थे, लेकिन जो भी था जैसा भी टाइम गया वहाँ पे भी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत कुछ चीज़ें सीखी, पंचुअलिटी
और मॉर्निंग में वही सुबह 5:30-6 बजे उठना काढ़े के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीना। बस अब घर में होंगे 7 दिन के लिए क्वारंटीन, और फिर उसके बाद ध्यान रखेंगे औरों का। चलिए मिलते हैं आपसे घर के अंदर अब। तो दोस्तों हमने कर लिया चेंज, अब नहा धो लिया, बिल्कुल पूरा फ्रेश फ्रेश हो चुके हैं और घर के अंदर में आराम से बैठ गए, क्लीन शेप भी कर लिया है, बस थोड़ा बहुत ये छोड़ दिया अभी, थोड़ा सा लुक एक हफ्ते की और बात है होम आइसोलेशन के अंदर में, उसके बाद हटा देंगे इसको। अच्छा दोस्तों, तो अब सारी की सारी चीज़ें रही होम जो हम लोग वहाँ पे आइसोलेट हुए थे 10 दिन के लिए, मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। काफ़ी लोगों को मेरे को कॉल आया और जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका ये था कि भाई जब कोरोना हो जाता है तो आपको कैसा फील होता है। तो दोस्तों चीज़ ऐसी है कि मैं एसिम्प्टोमेटिक था और मेरे अंदर में कोई भी सिम्टम्स नहीं आए थे, ना मुझे फ़ीवर हुआ, ना मुझे कोल्ड हुआ, ना मुझे कफ हुआ, कोई भी इस तरीके की मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं एकदम जैसे मैं अपना टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले था, मैं वैसे भी उसके बाद में था, और अब मेरे को तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी और ना ही तो मेरे को अपनी बॉडी के अंदर में कोई चेंज देखा मैंने अभी तक। चेंज मेरे को देखने को तब मिलेगा जब मैं अपनी डेली जो मेरा रूटीन था मैं उसको फॉलो करने लग जाऊँगा, ये होम आइसोलेशन के बाद में वो सारी चीज़ें फॉलो करूँगा। और मैं जॉगिंग वॉगिंग करने के लिए जाऊँगा तो मैं देखूँगा थोड़ा सा मेरे को कितना रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में मेरे को थोड़ा सा कुछ मतलब फील होता है या कुछ भी इस तरीके का एक्सपीरियंस, अगर कुछ भी होगा तो वो मैं आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगा और मैं आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर से बताऊँगा। लेकिन अभी तक का ये था, मेरी लाइफ एकदम जैसे पहले थी वैसी ही अभी थी, बस चेंज इतना आया कि मेरे को होम आइसोलेशन में आना पड़ा है यहाँ पे, और उससे पहले मेरे को छतरपुर में 10 दिन के लिए अपने आप को होम आइसोलेट करना पड़ा कोविड केयर सेंटर के अंदर में। वहाँ की भी सारी सारी फैसिलिटीज़ और मेरी आप पहले की वीडियोस के अंदर में देख चुके, काफ़ी ज़्यादा आरामदायक रहा, ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं करनी पड़ी वहाँ पे, और मैं एकदम अच्छे से ठीक ठाक होकर अपने घर के अंदर में आ चुका हूँ। और अब जो है आगे चल के मैं अपना एक टेस्ट करवा लूँगा, जब वो नेगेटिव आएगा तब मैं बाहर निकलूँगा, अदरवाइज़ तब तक मैं होम आइसोलेट ही रहूँगा। तो दोस्तों इस उसके अंदर मैं कोरोना काल के अंदर में ये मेरी आखिरी वीडियो है, और इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ आप लोग मोटिवेट हुए होंगे और जो मेरी पहले की वीडियो है उस चीज़ से भी मोटिवेट हुए होंगे और नहीं घबराएंगे कोरोना से बिल्कुल भी, और उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे और हंसते खेलते इससे फाइट करेंगे और बस समय निकालते रहेंगे अपना, वो समय निकलेगा, एंटीबॉडीज अंदर में बनती रहेंगी और आप एकदम फिट होकर अपने घर पर वापस आएंगे, अपने घर वालों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें। दोस्तों तो इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के अंदर में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, जय हिंद जय भारत।